Hi, this is answer discussion of 6th of January 2022. ये दो सवाल थे. पहला सवाल था define the barriers of age, gender and religion. Barriers किसके हैं? Age के हैं, gender के हैं और religion के हैं. बाधाएं. Indian women became the torch bearer during the struggle for freedom in India. इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था इसमें women freedom fighter का exemplary role है. तो जब इस टाइप के सवाल आते हैं ना इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देने चाहिए, वेरिड रेंज ऑफ एग्जांपल्स देने चाहिए जो ये प्रूव कर पाए इस पॉइंट को कि बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर और रिलीजन को कैसे ओवरकम किया, कैसे डिफरेंट शाइनिंग एग्जांपल्स हैं इंडियन फ्रीडम फाइटर विमेन ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को कैरी फॉरवर्ड किया. इस प्रेमाइस को एस्टैब्लिश करना था और इसको बैक करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स देने थे. ये ऑफिशियल क्वेश्चन था GS1 2013 का. सेकेंड जो था वो GS4 2016 का था, एथिक्स. एथिक्स में इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना इसका जो पहला पार्ट होता है वो तो लाइक हमें थ्योरी बताना होता है, थिंकर्स बताने होते हैं कि दिस इज अवर एथिकल, दीज आर अवर एथिकल थॉट्स. देन एथिक्स में उन्हीं एथिकल थॉट्स को वेरीफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए अगेन एग्जाम्पल्स की ज़रूरत होती है. तो यहाँ हमें ये प्रिमाइस मान के चलना है कि एंगर इज अ हार्मफुल नेगेटिव इमोशन. इफ यू आर ड्रिवन बाय एंगर देन यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव, समथिंग लाइक दैट. मतलब एंगर इज नॉट राइट. ये इंजूरियस है पर्सनल लाइफ के लिए भी और वर्क लाइफ के लिए भी. व्हाई? बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू वुड सी कि बहुत वर्कलोड होता है और इतना वर्कलोड होता है और ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स मिलेंगे आपको वर्क लाइफ में भी जो आपसे एंगर को ट्रिगर कर रहे हैं. बट यू हैव टू लर्न कि एंगर को कैसे कंट्रोल करना है बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव इमोशन. ये एंगर से ड्रिवन होते हो तो ये आपके लिए अनडिजायरेबल बिहेवियर्स लेके आता है. सो दैट इज वाई एंगर मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस होना बहुत जरूरी है. तीसरा पार्ट था इसमें इसको कैसे मैनेज किया जाए और कंट्रोल किया जाए. तो अगेन प्रश्न के जितने भी पार्ट होते हैं उसको अच्छे से एड्रेस करना चाहिए. पहला हमने प्रिमाइस सेटअप किया, एंगर इज अ हार्मफुल नेगेटिव इमोशन जो इंजूरियस है पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को. सेकंड, हाउ इट लीड्स टू नेगेटिव इमोशन एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर. थर्ड, इसको मैनेज और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है. सपोज ये 15 मार्क्स का है तो 5 5 5 एवरी सेक्शन ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. सो आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है, A4 साइज के पेपर में दो मार्जिन खींचो और उधर ये प्रश्न लिख के अपना नाम लिख के आप इस आंसर को लिखो पेन एंड पेपर से. उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करो, JPEG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करो और यहाँ पर अपने वो फोटोग्राफ्स जो है उसको अपलोड कर दो. एट द सेम टाइम जो आपने आंसर लिखा है उसका PDF भी मुझे सेंड कर दो सो दैट इसका कंपाइलेशन बनाना मेरे लिए ईजी हो जाएगा. ओके सो इसमें पार्टिसिपेशन किया आकाश ने, धर्मपाल, पीयूष, अदिति, आशा, शुभम, मुजम्मिल, दमन, प्रियंका, आकांक्षा, राम नरेश, प्रियंका, दीपक, देन रिया, प्रद्युम्न, प्रियंका, आलिया, नितिन, आशी, विशाल, वर्षा, शीतल और पॉन्टिंग ने. इन आंसर्स का कंपाइलेशन कर लिया है मैंने इस PDF में एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन. बिफोर दैट ये PDFs हैं, जैसे ये ऐसे का पेपर हुआ अभी 2021 मेंस का, ये मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, हैव अ लुक. देन ये GS1 का है और ये है GS2, इन दोनों को भी मैंने शेयर कर दिया है. अभी बाय नाइट GS3 एंड GS4 भी दिस क्वेश्चन पेपर आई विल शेयर. जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एंड यू विल रियलाइज कि ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ना हमने आंसर राइटिंग में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थीम्स हैं वो एग्जैक्टली ऐसा ही कवर किया है. सो फॉलो दिस प्रोसीजर जो हम कर रहे हैं. एवरीडे मीन्स एवरीडे आंसर राइटिंग. आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और कब सारा प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग प्रिपरेशन ऑन ट्रैक भी रहेगी. सो डू इट एवरी डे. ओके एंड पार्टिसिपेट. एक्चुअली क्या होता है जब हम पार्टिसिपेट करते हैं ना, यहाँ आपका आंसर मैं डिस्कस करूँगा, आप में मोटिवेशन आएगा, एक इंस्पिरेशन आएगा और एक ना इंटरेस्ट आएगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट. आप बहुत सारे लोग खुद से लिखते हो बट फिर मुझे व्हाट्सएप कर देते हो और मना कर देते हो कि इसको शेयर नहीं करना. डोंट डू दिस, जस्ट शेयर, शेयर ऑन वेबसाइट और यहाँ पे डिस्कशन होने दो, इट विल ओपन यू अप. ओके सो दिस इज दिस आकाश. आकाश ने लिखा दिस बैरियर ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन. ओके
तो ये जो था स्टार्टिंग में आपने बताया हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना ना, तो डे वन से हमारे यहाँ हमेशा से जेंडर इक्वालिटी इंश्योर किया गया है। मैन हो या वुमेन हो, इट डजेंट मैटर, एवरी एडल्ट को राइट टू वोट डे वन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। बिकॉज जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है ना, इसने इसी बात को एम्फेसाइज किया था कि जेंडर इक्वालिटी होना ज़रूरी है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिखता है ना, वो एथोस के जो रूट्स हैं वो यहाँ पर है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन एब्सोल्यूट रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, रोल प्लेड बाय वुमेन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब हमारे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है इसके डिफरेंट फेजेज आए। तो एक तरीका ये था कि हम अलग अलग फेज में अलग अलग वुमेन फ्रीडम फाइटर को उधर एग्जाम्पल दे के समझाएं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ, सरोजनी नायडू जी ने सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया, विजय लक्ष्मी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, कस्तूरबा जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में, मैडम भीखा जी खामा ने, तो ऐसे एग्जाम्पल्स लिखे हैं विच इज़ गुड। कल्पना दत्त, देन आपने लिखा प्रीति लता वाडेकर, तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं विमेन फ्रीडम फाइटर हैं, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पलरी है, ये प्रमाइस हमने एस्टैब्लिश कर दिया। अब जो रोल है वो भी वेरिड था, आपने एज अ कैरियर फूड प्रोवाइड करना, मैसिव स्केल में जो पिकेटिंग होती थी उसमें आपका कंट्रीब्यूशन था, जब 1942 हुआ अरुणा आसफ अली जी, उषा मेहता जी, सुचेता कृपलानी जी, आपने अंडरग्राउंड रेडियो जैसी एक्टिविटीज़ भी किया। देन इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी के नाम पर INA विमेन रेजिमेंट बनाया, वेरी गुड एग्जाम्पल। रानी गेंडुली का एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज नॉर्थ ईस्ट, सो दिस टेल्स की पूरा जो इंडिया है वो हमने यहाँ कवर किया है। फिर ये आपने और एग्जांपल्स दिए जैसे मिडिल क्लास फैमिली, एवरीबडी एवरीबडी टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी विमेन फ्रीडम फाइटर ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया। तो हमने ये प्रेमाइस सेट कर दिया कि डिफाइंग द बैरियर ऑफ एज जेंडर एंड रिलीजन, इंडियन वुमेन टॉर्च बियरर थी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया, दिस इज रियली गुड। इसमें ना थोड़े और पॉइंट्स हम लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक। देन जो सेकंड है वो आपने बताया इमोशन एंगर। अब जो एथिक्स है ना इसमें भी ऐसा कुछ राइट और रॉन्ग नहीं होता है, आप अपने व्यू पॉइंट्स बताओ, आपने जो किताबें पढ़ी है उससे क्या इंटरप्रेट किया। ओके तो ये नेगेटिव इमोशन है, जैसे कई बार आप देखो रेज, रेज इज़ नॉट राइट, रैथ, स्ट्रेस, रिसेंटमेंट, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, ऑप्रेशन, तो इससे क्या होता है, जब गुस्सा आता है ना तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैपेसिटी ज़ीरो हो जाती है, अब बहुत सारी चीज़ें बोल दोगे, बहुत सारे काम कर दोगे जो नॉर्मल सेंस में यू वुड नॉट डू, आप उसको पसंद भी नहीं करते हो, बट बिकॉज लॉजिकल थिंकिंग नहीं थी तो आप अनटूवर्ड एक्टिविटी कर बैठते हो, तो दैट इज़ वाई दिस एंगर इज़ नॉट एट ऑल राइट। फिर हमको बाद में रिग्रेट भी होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, तो दिस इज़ वाई एंगर इज़ नॉट एट ऑल राइट। तो अनकंट्रोल्ड एंगर से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल, बिकॉज यहाँ पे दोनों चीज़ें बताना था, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। देन एंगर मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है, एंगर को सीखा जा सकता है, खुद के इमोशंस को डील करना, कंट्रोल करना, इट कुड बी लर्न, सो दैट इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल, बिकॉज लाइफ में वर्कलोड तो हमेशा ही होगा, दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि बहुत वर्कलोड था, स्ट्रेस था, इसलिए एंगर आउटबर्स्ट हो गया, नो, यू हैव टू लर्न टू डील विद दैट एंगर। देन दिस इज धर्मपाल, वंस अगेन वेरी गुड आंसर, एंगर क्या है, दिस इज एन इमोशन जो डेलिबरेटली अगर हमें लग रहा है इनसिक्योरिटी हो रहा है, हर्ट फील हो रहा है, या फिर स्ट्रेस में है, रॉन्ग डूइंग कुछ हमारे साथ हुआ, तो हम एट टाइम्स टेंड होते हैं टू बी ड्रिवन बाय दिस एंगर। इसके एट टाइम्स पॉजिटिव्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एंगर इज ऑल बैड, बट पॉजिटिव्स होते हैं, जैसे हम अपनी फीलिंग्स बता पा रहे हैं, हमें एक लाइक सेफ्टी वॉल्व जो थ्योरी होती है, लाइक सेफ्टी वॉल्व, इट इज़ हेल्पिंग टू ईज अस आउट, तो पॉजिटिव्स हैं, बट नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, सी बीपी हाई होता है, हेट बढ़ता है, देन दिस रेज स्ट्रेस, सो दिस इज़ देयर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बड़ा अच्छा कीवर्ड आपने यूज़ किया, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब यू हैव टू लर्न कि ये ट्रिगर मैं क्यों हो रहा हूँ, ये जो एंगर मुझे हो रहा है ये क्यों हो रहा है, यू हैव टू लर्न योर इमोशंस, एट द सेम टाइम यू हैव टू लर्न अदर वंस इमोशंस एज वेल, बिकॉज एज अ लीडर क्या होता है, आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कमांड करना है। अब जैसे फौज है, एक CEO है, उसके पास 500 जवान यहाँ पे कमांड करने के लिए, वो इस तरीके से अगर इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है तो वो अपनी ड्यूटी डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो ये ह्यूमन जो मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें भी ज़रूरी होता है एंगर
मैनेजमेंट। इनटॉलरेंस बढ़ता है, फिर जैसे गांधी जी ने बोला, स्लैपिंग अ फ्रेंड एक एग्जाम्पल दिया, फिर क्रिएटिंग सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, फिर आपने इसका भी एग्जाम्पल दिया, दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। कंट्रोल कैसे करें, माइंड काम, फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने एंगर को चैनल आउट कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ पोर्टल में आप किसी साइकियाट्रिस्ट या जो काउंसलर है या फिर कोई आपका अच्छा फ्रेंड है उससे बात करके भी आप यू कैन ईजन आउट। सो द पॉइंट इज एंगर इज नॉट एट ऑल गुड, अति सर्वत्र वर्जते, सो दिस इज देयर गुड। अब ये है पीयूष। पीयूष आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। सो जो फर्स्ट है वो है वेमेन का फ्रीडम फाइटर, तो दिस इज क्रूसेडर्स थे, अर्ली स्ट्रगल। अब आपने जिस तरीके से इसको फ्रेम किया है कि क्रोनोलॉजी में बताया, पहले अर्ली स्ट्रगल में ये सारे थे, होलकर भीमाबाई होलकर जी, ब्रिटिश कॉलोनियल, रानी बेगम हजरत महल, एक्सलेंट एग्जांपल, फिर आपने रानी दिस दक्षीबाई, फिर इस तरीके से कि जो वुमेन फ्रीडम फाइटर है अर्ली स्टेज ऑफ स्ट्रगल में भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। 1857 की वॉर में हमने देखा रानी झांसीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ 1920 में, तो अब हम मॉडर्न जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ इसमें भी बड़े एग्जांपल्स हैं, तो उनको कवर किया, जैसे सरला देवी जी, है ना, ये सारे आपने नाम लिखे, सुचेता कृपलानी जी, अरुणा आसिफ अली जी, वेरी गुड। देन इसके बाद प्रभात फेरीज होती थी। एक्चुअली क्या होता है, टीम जो होती है ना, टीम वर्क में हर मेंबर का रोल डिवाइडेड होता है और हर मेंबर का रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रीडम स्ट्रगल में भी ऐसे जो डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स थे ना, हर किसी का अपना एक रोल था, मैंडेट था, तो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ने भी उस रोल को डिलीवर किया। जैसे सॉल्ट मार्च हो रहा था, फ्रंटलाइन स्टाफ था, फ्रंटलाइन जो फाइटर्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर दिया, अब सारा फ्रंटलाइन अरेस्ट हो गया, तो जो सेकेंड लाइन पे उस टाइम पे जैसे वुमेन जो लीडर्स थी वो आगे बढ़ के आई और उन्होंने इस पूरे मोर्चे को संभाला और डिलीवर किया। सेम हैपन्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, सो दे शोड एक्सेम्पलरी लीडरशिप एज वेल। देन सरोजनी नायडू जी के बारे में बताना, सी दहसाना सॉल्ट वर्क में 1930, फिर आपने आगे फर्दर और एग्जाम्पल्स दिए, सत्याग्रह कमेटी, फिर ढाका में चिटगोंग आर्मरी रेड में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, फिर उषा मेहता जी अंडरग्राउंड दिस रेडियो ट्रांसमीटर वॉइस ऑफ फ्रीडम, अगेन वेरी वेरी गुड आंसर, वेल डन। अदिति आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब सी स्टार्टिंग में प्रिमाइस बताया, गांधी जी का बिलीफ सिस्टम बताया, देन आइडियाज़, यू नो आइडियाज़ में भी बड़ी पावर होती है, आइडियाज़ को स्प्रेड करना, और इस काम पे वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ने बड़े अच्छे काम किए, जैसे पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पिकेटिंग हो रही है, जैसे लिकर शॉप में या फिर फॉरेन क्लोथ है उसको बंद करना है, सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, डिसोबीडियंस में किया, तो ये रिमार्केबल जॉब है। स्टॉप दिस हैबिट नाउ, केवल एक ऐसे कट करना है, नॉट मोर देन वन दिस। देन इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जी का आपने मेंशन किया, गुड, सरोजनी नायडू जी। अब सी लुक एट दिस कॉपी, कंटेंट सब ने वही लिखा है, बट उस कंटेंट को इस कॉपी में प्रेजेंट कितना अच्छे से किया गया है, मेरे लिए पढ़ना कितना आसान हो गया कि सी रानी लक्ष्मीबाई जी, दिस इज द टाइम, दिस इज द वर्क एंड दिस इज दिस थिंग, थ्री पॉइंट्स। सरोजनी नायडू जी, दिस इज द पॉइंट दिस, तो लर्न दिस थिंग। कंटेंट आपका नो डाउट अच्छा है, आपको नंबर मिलेंगे, बट अगर उस कंटेंट के साथ आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा ना, तो आपको एडिशनल उसमें एडवांटेज होगा, इट हैपन्स, ओके। जैसे मैडम भीखा जी का, वेरी गुड अदिति, बेगम हजरत महल, वेरी गुड, देन अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, कस्तूरबा गांधी जी, कमला नेहरू जी, विजय लक्ष्मी पंडित जी, तो आपने 9 नेम्स इतने अच्छे बता दिए डिफरेंट पूरे कंट्री के, ओके। इससे ज़्यादा और भी नाम हम बता सकते थे थिंक, तो ये बड़ा हाई यील्डिंग टॉपिक है, ये नाम पता होने चाहिए और इनसे रिलेटेड वर्क भी, एंड योर दिस द वे यू हैव प्रेजेंटेड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रियली रियली गुड, फिर एक कॉन्क्लूजन भी है, वेल डन। देन आशा, यू आर अगेन राइटिंग वेरी गुड आंसर्स, आपकी इंग्लिश में कमांड भी बहुत अच्छी है, इंडियन स्ट्रगल है, वुमेन ऑफ इंडिया, फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल, तो आपने डिलीवर किया, फ्रीडम फाइटर्स ने वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल में अपना रोल अच्छे से प्ले किया। अब अर्ली स्ट्रगल से आपने अप्रोच किया, तो शुरुआत में जैसे होलकर, भीमाबाई होलकर जी, देन रानी बेगम हजरत महल जी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में रानी लक्ष्मीबाई जी, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920s में आए, विजय लक्ष्मी पंडित जी, स्वरूप रानी जी, वेरी गुड, कस्तूरबा गांधी जी, एक्सेलेंट।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डांडी मार्च में भी किया। तो सी, हम डिफरेंट एरा में भी जा रहे हैं और डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बता रहे हैं हर बैरियर्स जो थे उसको ब्रेक करने की कोशिश की गई। वेरी गुड। देन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में भी ये सारे नाम बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। देन क्विट इंडिया मूवमेंट में भी, तो सी हमने हर इम्पॉर्टेंट मूवमेंट में उससे एसोसिएटेड जो चैलेंजेस है वो यहाँ पे बताए। फिर देर इज़ अ कॉन्क्लूजन। वेरी गुड। तो दिस इज अगेन वेरी बैलेंस्ड आंसर, वेल डन। नेक्स्ट है वो है नेगेटिव इमोशन। सी, नेगेटिव इमोशन, एंगर इज नॉट एट ऑल राइट, बिकॉज एंगर ड्रिवन होते हैं तो वी एंड अप डूइंग लॉट मैनी थिंग्स जो हम नॉर्मल केस में नहीं करते। सो दिस इज एन एक्सट्रीम बिहेवियर, नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करता है। अनकंट्रोल्ड एंगर से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वर्क में, पर्सनल रिलेशनशिप में, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वंस लाइफ यहाँ पे डिटेरियोरेट होती है। तो एंगर को कंट्रोल करना आना चाहिए, ब्लॉकिंग अवर इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या होता है, रीजन कर पाते हैं कि जैसे कोई चीज़ हमें गुस्सा दिला रही है, हम उस चीज़ को अगर समझने लग जाए, उस इवेंट को समझने लग जाए, उस पर्सन को समझने लग जाए, तो वो जो एक्टिविटी है जिससे हमें गुस्सा आ रहा है वो एक्टिविटी में वो पावर खत्म हो जाती है। फिर हम अगर उसको, वंस वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, वी डू नॉट गेट एंग्री। सो द पॉइंट इज, इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप बच्चा है, अब हमें पता है ही बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसकी छोटी छोटी बातों पे आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, एंगर हो रहे हो, तो आप उस बच्चे के भी इमोशनल इंटेलिजेंस से यू आर प्लेइंग विद दैट, नॉट एट ऑल राइट। सो दिस वी नीड टू लर्न। क्रिएटिंग सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आता है, गुड। क्रिएटिंग सेंस ऑफ गिल्टी, कंट्रोल कैसे करें, माइंड काम टेक्निक, टेक अ ब्रेक, ट्राई टू रीजन कि क्यों इतना एंगर आ रहा है, व्हाट आर द रीजंस, लॉजिकल थिंकिंग लाइक दैट, काम टेक्निक। फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो गुड, अदर वेज हो सकते हैं मैनेजिंग के, तो ये सारे मैनेजिंग हैं। ओके, फिजिकल एक्टिविटी हुआ, या फिर रीजन, सबसे अच्छा होता है ना वो रीजन करना कि ये एंगर क्यों हो रहा है यहाँ पे, रीजन इट, और टेक अ ब्रेक, डू इट आफ्टर से 5 मिनट, 1 आवर। इन 1 आवर में यू विल गेट टाइम टू थिंक, एंड वंस यू गेट द टाइम टू थिंक यू विल रियलाइज कि एंगर की तो ज़रूरत ही नहीं थी फर्स्ट प्लेस पे। सो दिस इज द वे। तो नेगेटिव इमोशन होता है, और जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी टू द मैन हु डिस्प्लेज इट, यू शुड नॉट अलाउ योर माइंड्स टू कम इन टू दोज ब्रेन कॉम्बिनेशन ऑफ एंगर एंड हेट्रेड, नेवर बी ड्रिवन बाय एंगर एंड हेट्रेड। देन दिस इज शुभम, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली गुड। तो हमारा जो पहला आंसर है वो फ्रीडम स्ट्रगल का है, वेमेन पार्टिसिपेशन। तो दिस इज देयर, गांधी जी का बिलीफ सिस्टम यहाँ पे आपने बताया। देन इन्वॉल्व करें वेमेन सिग्निफिकेंटली। एक्चुअली क्या है, किसी भी वर्क में, लेबर फोर्स में भी हुआ, या फिर गवर्नमेंट हुआ, या फिर पार्लियामेंट हुआ, डिसीजन मेकिंग हुआ, एनीथिंग, हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें तकरीबन 50% मेन है, 50% वेमेन है। अगर हम एक 50% जो संख्या है हमारी उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारी पावर डिवाइड हो गई 1/2। तो फ्रीडम स्ट्रगल में पावर 1/2 करने का कोई लॉजिक नहीं था। दैट इज़ वाई एवरीबडी, जेंडर यहाँ पे इंक्लूसिवनेस होना ज़रूरी था फ्रीडम स्ट्रगल में। ओके, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, पिकेटिंग, सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंट, गुड। देन भगत सिंह जी साहब, और आपने भी बताया था, फ्रीडम स्ट्रगल में दिस इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अभी एग्जांपल्स है, लक्ष्मीबाई जी, हजरत महल जी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू जी, रानी गैंडली, विजय लक्ष्मी पंडित जी, कस्तूरबा गांधी जी, अरुणा आसफ अली जी, उषा मेहता जी। वेरी गुड, दिस इज अगेन रियली रियली गुड। देन जो सेकेंड है वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे था, इमोशनल इंटेलिजेंस एस्पेशली दिस एंगर नेगेटिव इमोशन। गांधी जी ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने क्या कहा, एंगर हार्मफुल क्यों है, लॉजिकल थिंकिंग। आपका जो थॉट्स है ना, थॉट्स रैशनैलिटी चली जाती है व्हेन यू आर ड्रिवन बाय एंगर। तो इससे सोशल हार्मनी भी होती है, गुड। एग्जांपल्स भी दिए आपने। देन फॉरगिवन एंड मैग्नानिमिटी, ये होना भी ज़रूरी है। देन वल्नरेबल और जो वीक हैं, डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस एंगर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, हमको लर्न करना चाहिए इस एंगर को कैसे चैनलाइज करें। देन अर्ली स्टेज पे हमें, हम जो बच्चे हैं उनको भी अच्छी वैल्यू सिस्टम दें, किस तरीके से कंट्रोल करना है, लाइक दैट, फूल विल गिव वेंट टू देयर रेज बट द वाइज ब्रिंग काम इन द एंड। वेरी गुड लाइन, सो दिस इज अगेन गुड आंसर। देन ये मुजम्मिल है, आपने लिखा इंडियन वुमेन टॉर्च बियरर स्ट्रगल फ्रीडम।
तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया, वुमेन का जो रोल है वो बहुत प्रोमिनेंट रहा है, स्ट्रगल, क्रूसेडर थे, दे आर नॉट जस्ट हेल्पर्स बट दे वर क्रूसेडर, गुड। देन गांधी जी का मेंशन है यहाँ पे, नेशनलिस्टिक टेंडेंसी हुई, हमने पर्सोनिफिकेशन भी किया, रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, बेगम हजरत महल जी हैं, एनी बेसेंट जी हैं, सरोजनी नायडू जी हैं, प्रीति लता वाडेडर, वेरी गुड, दिस रेड जो हुआ था चित्तगांव रेड, रानी गैंडोली, विजय लक्ष्मी पंडित जी, अरुणा आसफ अली जी, है ना। देन आपने फिर लिखा हजरा हु इंडियन रिवॉल्यूशनरी पार्टिसिपेट किया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, आप 72 ईयर ओल्ड थे दिस स्टेशन। देन इसके बाद जो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो लीडर्स थे वो भी हमेशा इसी बात पे काम करते थे, जेंडर इक्वालिटी, उषा मेहता जी 1942, देन रानी झांसी रेजिमेंट भी है, सो दिस इज़ अगेन रियली गुड। ये जो टॉपिक है ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे नहीं तो भी 10 से 15 नाम जो है हमें टिप्स पे याद होने चाहिए, फ्रीडम स्ट्रगल, वुमेन फ्रीडम स्ट्रगल। सो नाउ दिस इज प्रियंका। प्रियंका वंस अगेन वेरी गुड आंसर, एंगर के ऊपर लिखा है, पॉजिटिव इमोशन क्या होता है, नेगेटिव इमोशन क्या होता है, ये पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, गुड। देन नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, ये सारे, ये थोड़ा कट हो गया, डिसगस्ट, सैडनेस, ये सारी चीज़ें नेगेटिव इमोशंस होती है। नेगेटिव इमोशंस से अगर हम ड्रिवन होते हैं तो इन दी एंड हमें जैसा डिजायरेबल सक्सेस है वो नहीं मिलता, सो दैट इज़ वाई पॉजिटिव जो इमोशंस है, वी शुड बी ड्रिवन बाय पॉजिटिव इमोशंस। एंगर क्या होता है, नेगेटिव इमोशंस होता है, जिसे हम बोलते हैं ना, योर डिसीजंस शुड बी ड्रिवन बाय होप, नॉट बाय फियर। सो ये पॉजिटिव इमोशन है होप, जो फियर है ये नेगेटिव इमोशन है। तो नेगेटिव इमोशन से बचना है, बिकॉज इससे हम खुद भी डैमेज होते हैं, खुद का भी फिजिकल मेंटल डैमेज होता है। एंगर नेगेटिव इमोशन हो सकता है, इस तरीके से रिसेंटमेंट होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हम एक्सेसिव, हमारी लैंग्वेज, हमारे एक्शन वो बड़े डेट्रीमेंटल हो जाते हैं। देन ये एंगर है। अब ज़रूरी है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को रखें, जो चीज़ हमें ट्रिगर कर रही है एंगर से, वी नीड टू लर्न कि इसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, स्टिमुलाई जो है उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू। सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, लॉन्ग टर्म फिजिकल इफेक्ट्स, अनडिजायरेबल बिहेवियर, जैसे आप ट्रैफिक जैम में अक्सर आप देखते हो लोग बड़े रेज हो जाता है, ट्रैफिक रेज इज़ अ वेरी कॉमन थिंग टू सी, तो वी नीड टू लर्न। गोल्स आर अचीवेबल, एनवायरमेंटल कंडीशन उसमें कैसे डील करना है, रिकग्नाइजिंग एंगर इज़ ज़रूरी, देन मैनेज कैसे करना है, फिजिकल एक्टिविटीज़, काउंसलिंग इज़ ऑल्सो गुड, रीडिंग बुक्स इज़ ऑल्सो गुड, क्वेश्चन योर सेल्फ कि ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं हम, ऐसी लैंग्वेज, ऐसा एक्शन क्यों हो रहा है, इफ़ इट इज़ ड्रिवन बाय एंगर देन हमारे पास रैशनैलिटी होनी चाहिए उसको सोचने का। देन इसमें आप कुछ थिंकर्स भी लिख सकते थे, जैसे एंगर से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे कोट्स हैं, थिंक, माइंडफुलनेस, देन डिस्ट्रैक्शन, स्लीप इज़ एन एक्सेलेंट मेडिसिन, स्लीप, तो दिस इज़ देयर। तो वे फॉरवर्ड यही होना है पॉजिटिव नोट पे कि एंगर से ड्रिवन नहीं होना है। सेकंड जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल पे है, बैरियर्स जो है उसको ओवरकम किया, क्रूसेडर बने फ्रीडम स्ट्रगल के, तो दिस इज़ गुड। देन ये सारे नाम लिखे हैं, ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीडम स्ट्रगल में, वुमेन पार्टिसिपेशन, वन बाय वन आपने इनको एक्सप्लेन किया, गुड। देन रानी लक्ष्मीबाई जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देन मैडम कामा, देन कस्तूरबा गांधी जी, नो टैक्स कैंपेन, तो सी जो इंटेलेक्चुअल जो एक एनर्जी चाहिए थी फ्रीडम स्ट्रगल को थॉट्स में इंटेलेक्चुअल, वो भी वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ पे प्रोवाइड किया, मतलब एक काइंड ऑफ डायरेक्शन सेट किया, गुड। देन नाइटेंगल ऑफ इंडिया एक्सेलेंट, देन इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस, जलियावाला सत्याग्रह, देन नेहरू जी, कमला नेहरू जी, नो टैक्स से रिलेटेड, खादी फैब्रिक, अपसी खादी फैब्रिक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, चरखा, देन जो पिकेटिंग भी होती थी ना, जैसे लिकर पे पिकेटिंग करते थे या फिर जो फॉरेन क्लोथ आया है उसको, पिकेटिंग मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन, जैसे ये दुकान है इसके बाहर जाके अपने मैसेजिंग होती थी, स्लोगन हो रही है लाइक दैट, तो वो पिकेटिंग कहलाती थी, तो मैसेजिंग जाती थी सोसाइटी में कि विच इज़ राइट, देसी पे हमें जाना है, जो लोकल क्लोथ है, सेल्फ रूल है, इधर हमें एम्फेसाइज करना है। देन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड ऑल, गुड, अरुणा आसफ अली जी, देन इसके बाद अपने इनकलाब, वेरी गुड, दिस इज़ गुड, भारत रत्न भी मिला सुचेता कृपलानी जी, तो आपने साइमल्टेनियसली इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया, विच इज़ गुड।
तो दिस इज़ गुड, लक्ष्मी सहगल जी। देन ये नाम अच्छा है ये, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है या फिर हमारा असम है, इधर भी हमें पूरा रिप्रेजेंटेशन देना है। बिकॉज़ हमारा स्कोप जो ये है ना, वो ये है कि ऑल ओवर इंडिया, एवरी पार्ट ऑफ इंडिया विमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिला। देन उषा मेहता जी हैं, देन पद्म विभूषण मिला आपको, एंड दिस इज़ अ कॉन्क्लूजन। सो वंस अगेन, दिस इज़ वेरी वेरी हाई यील्डिंग क्वेश्चन। इस कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आकांक्षा, यू आर ऑल्सो डूइंग एन एक्सेलेंट वर्क, दिस इज़ ऑन भारतीय महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम। तो धार्मिक और सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए 57 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे झांसी की रानी, हजरत महल, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू जी, रानी गेंडुली, लक्ष्मीबाई पंडित जी, कस्तूरबा गांधी जी, अरुणा असफ अली, उषा मेहता जी। वेरी गुड। स्वदेशी में गांधी जी ने क्या बोला? देन मातंगिनी हजारा जी का नाम प्रमुख है, गरीब वर्ग। राष्ट्रीय स्त्री संघ बना, भीकाजी कामा, कैप्टन लक्ष्मी। गुड। तो हर का जो रोल था ना, वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड था, एंड दे डिलीवर्ड देयर रोल एग्जाम्पलरी मैनर में। गुड। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से टिप्स में याद रखने हैं। क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक भावना है, क्रोध नहीं आना चाहिए हमें, क्रोध आए तो उस पर कंट्रोल करना आना चाहिए, नियंत्रण इज जरूरी। तर्क शक्ति लॉजिकल नहीं होता है, समस्याएं होती है इस टाइप की। क्रोध के लक्षण हैं, ये सारे लक्षण हैं, चिड़चिड़ापन, तनाव, घृणा, अवसाद, आत्मविश्वास, भावनात्मक क्षति, शारीरिक क्षति, क्रोध के ये सारे प्रभाव है। अवांछनीय व्यवहार होता है ना, तो दिस इज नॉट एट ऑल राइट, इसको एनकरेज नहीं करना है। अब कैसे ठीक करें? तो योग, व्यायाम, दिनचर्या, खान पीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जैसा फूड लेते हैं ना, वो बहुत हद तक डिटरमाइन करता है हमारे दिस फिजिकल एक्टिविटीज़, हमारा बिहेवियर। तो संतुलित खान पान ज़रूरी है। म्यूज़िक इज़ गुड, बुक्स, ये बड़े अच्छे पॉइंट्स आपने लिखे हैं, वंडरफुल, दिस इज़ रियली रियली गुड। देन इसके बाद आगे की राह है, संतुलित प्रत्युत्तर देने का प्रयास करें, लॉजिकल सोचने की क्वेश्चन करें कि ये क्रोध क्यों आ रहा है और क्या ये क्रोध जायज़ है या नहीं जायज़ है, लाइक दैट। देन राम नरेश, यू आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, नेगेटिव इमोशन है, एक्सट्रीम बिहेवियर है, इमोशनल स्टेबल स्टेट नहीं रहती है, तो दिस इज़ गुड। बायसनेस आ जाता है, हम काम नहीं रह पाते, अगर आप काम नहीं होगे ना, आप सोच नहीं पाओगे, डिसीजन मेकिंग आपकी वर्जन हो जाती है, तो लर्न टू बी काम। इमोशनल डिसीजंस, कॉग्निशन हमारी कैपेबिलिटी वीकन हो जाती है, कंटिग्यूअस होता है ये, रैशनल थिंकिंग नहीं होती, इनटॉलरेंस आ जाता है, इग्नोरेंस हो जाता है। गुड, वेरी गुड। वे फॉरवर्ड क्या हो? मेडिटेट, एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो वन थिंग, एक्सेप्टेड सम थिंग्स, सम पीपल आर जस्ट लाइक दैट, अगर आप उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। एक्सेप्टेंस इज गुड। इमोशनल इंटेलिजेंस, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, इंटरेक्शन, मीडिएशन, तो मेडिटेशन, सो दिस इज गुड, सो दिस इज अ कॉन्क्लूजन, वेल डन। देन जो नेक्स्ट है, बैरियर्स बताने थे, इसमें लॉजिक प्रिमाइस सेट करना था कि वुमेन फ्रीडम फाइटर का एग्जाम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, और उसके बाद उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स से उसको वैलिडेट करना था, तो दिस इज देयर, वेरी गुड। बिफोर गांधीयन फेज, अब आपने सेग्रीगेट किया, गुड, स्वदेशी में। देन महारानी वेला नाचियार, वेरी गुड, दिस पॉइंट इज गुड। देन गांधीयन फेज में आपने बताया, मास मूवमेंट में विमेन मोबिलाइजेशन, रिवॉल्यूशनरी, इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल कांग्रेस, विमेन ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस मूवमेंट्स थे, ओके, ये सारे नाम बहुत अच्छे हैं, गुड। देन फ्रीडम फाइटर्स रिवॉल्यूशनरी, जैसे ये चिट्टगोंग का रेड, लीडरशिप के भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे स्वराज में, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग लॉन्च किया, एक्सेलेंट। कम्युनिकेशन में आपको मिलेगा उस, तो सी आपने भी कंटेंट वही लिखा है, बट उसको कितने अच्छे से सेग्रीगेट किया है, इसी को बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड आंसरिंग, सो दिस इज रियली गुड। देन ये प्रियंका का है, आपने बताया बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर, रिलीजन, फ्रीडम स्ट्रगल में विमेन पार्टिसिपेशन, तो गांधी जी का बिलीफ सिस्टम, फ्रीडम फाइटर्स, विमेन, ये सारे नाम दिए आपने, वेरी गुड, ये सारे नाम हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अर्ली स्ट्रगल में बताया, देन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सो अगेन दिस सेग्रीगेशन इज गुड। फेज वाइज आपने बताया, वो क्रूसेडर थे, सी हमें क्या बताना था, वो क्रूसेडर थे, मतलब आगे बढ़ के वो डिसीजन और लीडरशिप ले रहे हैं, वो केवल हेल्पर्स नहीं है, वो केवल फॉलोवर्स नहीं है, वो क्रूसेडर्स है, गुड। देन नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, सरोजनी नायडू जी, सरला देवी जी, गुड, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, उषा मेहता जी।
देन दिस इज कॉन्क्लूजन वंस अगेन वेरी गुड. फिर ये आंसर लिखा है दिस दीपक ने, वेरी गुड. तो ये जो है दिस इज बैरियर्स ऑफ एज, तो एज बैरियर रानी गैंडुली, अरुणा आसिफ अली, देन मतांगनी हजारे जी, एजुकेशन, देन मुमताज अली जी, बेगम, वेरी गुड. सावित्री बाई फूले जी का एग्जाम्पल बहुत बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन सेक्टर में, स्पेशली वुमेन एजुकेशन में. आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वो एग्जाम्पलरी है, अनपैरेलल है. तो सरोजनी नायडू, जैसे पुणे की जो यूनिवर्सिटी है ना वो आपके नाम पे है, सरोजनी नायडू जी, एनी बेसेंट, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में, देन वेरी गुड. लक्ष्मी सहगल जी, रानी लक्ष्मीबाई जी, तो दिस इज़ अगेन गुड. आपने सेग्रीगेट किया अलग अलग हेडिंग में और उस हेडिंग से उससे रिलेटेड फ्रीडम फाइटर्स को मेंशन किया, गुड. जैसे सोशल रिफॉर्म्स, आई रियली लाइक दिस आंसर. देन रामाबाई जी, देन ताराबाई शिंदे जी. तो मतलब फ्रीडम स्ट्रगल मतलब यही नहीं होता है कि हम ब्रिटिशर्स को भगा रहे हैं. फ्रीडम स्ट्रगल का ये भी एक मतलब था कि जो इंडिया हम चाहते हैं उसको हम सृजन कर रहे हैं. सो दिस इज़ गुड. आपने जो ये पॉइंट लिखा सोशल रिफॉर्म, दिस इज़ रियली रियली गुड. इसमें आपने बहुत काम किया बिकॉज इस चीज़ ने भी इन अ वे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, वेरी गुड. हेल्थ सेक्टर का लिखा, दिस इज़ रियली रियली गुड आंसर, वेरी गुड. देन नेक्स्ट है रिया, आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है. इसमें आपने पहले बताया टेस्टिमनी है, वुमेन हैव मेड देयर एग्जेम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में. आपने फिर नाम 1817 से स्टार्ट किया, होलकर जी, बेगम हजरत महल, देन आपने वीरांगना महाबीरी देवी, देन आपने फिर आगे लिखा और एग्जांपल्स, असम के एग्जांपल्स हैं, गांधी जी का कोट है एग्जांपल्स, और जो फ्रीडम फाइटर के नाम लिखे हैं दोज आर रियली रियली गुड. देन गांगुली, देन तारा रानी, श्रीवास्तव जी, बीना दास जी, कल्याणी दास जी. तो सी, ऐसा नहीं है कि हमें जैसे तीन चीज़ लिखा था ना यहाँ पे, एज बैरियर, बैरियर कौन से थे, टॉर्च बियरर थे, डिफाइनिंग द बैरियर्स ऑफ एज, रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी, वुमेन हर सेक्शन का सोसाइटी से यहाँ पे आके एग्जेम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, और नॉट जस्ट एज अ फॉलोवर बट टॉर्च बियरर, टॉर्च बियरर तो मतलब सोसाइटी को डायरेक्शन भी दिखाया. तो इसलिए यहाँ पे एथिकल, एजुकेशन, रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें भी हमें लिखना था जो आपने लिखा है, वेरी गुड. देन पुष्पलता दास जी, देन कामा चेरियन, वेरी गुड. देन इसके बाद नाचियार जी, जैसे ये चीज़ है, दिस इज़ ऑल्सो गुड. देन वीरांगनी, तो आपने जो नाम लिखे हैं दीज आर रियली गुड, और हमने डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को यहाँ पे कवर किया, क्रोनोलॉजिकली भी और इंडिया के पूरे पार्ट को भी यहाँ पे कवर किया, गुड. टॉर्च बियरर पे हमें एम्फेसाइज करना था, ओके. सो दिस इज़ गुड. अब जो अब इसका रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये जो पार्ट, ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज़ वेरी हाई यील्डिंग. इस पर कंटिन्यूसली सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, प्रिलिम्स में भी और मेंस में भी. देन जो एंगर है वो हार्मफुल नेगेटिव इमोशन है. एंगर इज़ नॉट एट ऑल राइट बिकॉज एंगर ड्रिवन होते हैं तो हम हमारे सोच समझ नहीं हो पाते हैं एंड वी एंड अप डूइंग थिंग्स जो नॉर्मल केस में हम नहीं करते. सो दैट इज़ वाई एंगर इज़ नॉट राइट. तो दिस इमोशन है, इमोशंस के डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, मिस कंसेप्शन क्या होता है, इसको कैसे मैनेज किया जाए. देन एंग्री नहीं रहना है, लर्न टू बी काम. काम, कामनेस है ना, एक कोट है, कामनेस इज सुपर पावर, कामनेस इज सुपर पावर. इफ़ यू कुड बी काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन देन यू बिकम सुपर, सुपर पावर, सुपर हीरो बन जाते हो, लाइक दैट. देन इसके बाद जो ट्रिगर है उसको आइडेंटिफाई करें. इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पे लिखें, पर्सनल लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, प्रोफेशनल लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, और इसको कंट्रोल करना कैसे ज़रूरी है. सो वंस अगेन वेरी वेरी गुड आंसर. माइंडफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है. देन दिस इज़ प्रद्युम्न, यू आर राइटिंग वेरी वेरी गुड आंसर. सो दिस इज़ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू वंस इट, दिस स्टार्ट इज़ रियली गुड. आई एम नॉट रेडी टू डाई बिकॉज इट रिक्वायर्स ग्रेटर करेज टू लिव. तो उन्होंने जो बैरियर्स थे उसको ओवरकम किया और फ्रीडम स्ट्रगल में अपना पार्टिसिपेशन दिया, गुड. तो आप टॉर्च बियरर थे, क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखे, वेरी गुड. तो बैरियर्स ये जो थे इसको किस तरीके से आपने ओवरकम किया. देन प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स बताए आपने, लक्ष्मीबाई जी, सरोजनी नायडू जी, रानी गैंडुली, मातंगनी हाजरा जी, एंड देन उषा देवी जी,
उदा देवी जी, देन अरुण आसिफ अली, वेरी गुड। देन इसके बाद मैं, ये सारे एग्जांपल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे हमें बड़े अच्छे से याद रखने हैं, ओके। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सावित्री बाई फूले जी। अब सी, योर प्रेजेंटेशन स्टाइल इज अगेन रियली गुड। आपने जैसे ये प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर है ना, ये इससे क्या हुआ, अपने क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन है, जो कंटेंट एक्चुअली में हाईलाइट होना था, वो इसके थ्रू हो गया। दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स है जो प्रिमाइस है, पहले जो एस्टैब्लिश किया कि विमेन ने ओवरकम किया, टॉर्च बियरर रहे, और इन एग्जांपल्स के थ्रू उस प्रिमाइस को वेल सीमेंट कर दिया। गुड। देन ये, दिस इज गुड। तो गांधियन इरा, वेल डन। अब जो सेकेंड है वो है नेगेटिव इमोशन। एंगर जो होता है, वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, रियली गुड। स्टार्ट वंस अगेन, रियली गुड। वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, गुड। तो कॉज ऑफ एंगर क्या होता है, आइडेंटिफाई। सिम्टम्स ऑफ एंगर क्या होता है, दीज आर द सिम्टम्स, एंगर की साइकिल। दिस इज वेरी ऑब्जेक्टिव राइटिंग, वेरी गुड, यू आर डूइंग रियली गुड। एस्केलेशन फेज, एक्सप्लोजन फेज, पोस्ट एक्सप्लोजन फेज। एंगर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, दिस इज वाई एंगर मैनेजमेंट इज जरूरी। रिपरकशंस क्या होते हैं, बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं। एंड देन बुद्धा ने क्या कहा है, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन, एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। सो एंगर ड्रिवन नहीं होना है, वेरी गुड आंसर, वेरी ऑब्जेक्टिव आंसर, वेल डन। प्रियंका, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। एंगर क्या होता है, दिस इज एंगर। देन मैनी पीपल एंगर रिजल्ट ड्रिवन होते हैं, इरीटेशन, रेज, रैथ, स्ट्रेस। तो एंगर खुद को भी बहुत हार्म करता है, दैट इज वाई एंगर ड्रिवन नहीं होना है। देन इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी। अब जैसे आपने ये एग्जाम्पल लिखा, गुड। सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, माइंड काम, फिजिकल एक्टिविटी। एंगर जनरेट क्यों हो रहा है, उसको रीजन करें, सवाल पूछें कि वाई एंग्री एंड वाई आई एम डूइंग दिस, आस्क क्वेश्चंस। देन वे फॉरवर्ड ये होता है, देन देर इज अ कॉन्क्लूजन। सो वंस अगेन, वेरी गुड। देन दिस इज आलिया, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। तो एंगर ये है एक्सट्रीम बिहेवियर, तो एंगर ड्रिवन नहीं होना है। कोई हमें प्रोवोक कर रहा है तो हमें अननेसेसरी वहाँ पे नहीं एंगेज होना है। देन दिस इज नेगेटिव इमोशन है। देन एंगर को कैसे कंट्रोल करें, ब्लॉक कर दो। इमोशनल इंटेलिजेंस, रीजन करो। एंगर को बोलो कि आई एम फार सुपीरियर, तो आई विल नॉट बी इम्पैक्टेड बाय यू, जैसे दिस, वेरी गुड। सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है ऑफिस वर्क में भी, बिकॉज यहाँ क्या पूछा था, पर्सनल भी बताना था और प्रोफेशनल भी बताना था, दोनों जगह एंगर से डैमेज होता है। माइंड को काम करें, फिजिकल एक्टिविटी, वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। अब ऐसे सवाल में ना एग्जाम्पल्स थोड़े हमें ज़्यादा लिखने चाहिए। देन दिस इज नितिन, नितिन यू आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड। दिस इज अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल, 57 to 42 पर्टिकुलरली आपने हाईलाइट किया, और ये सारे इंपॉर्टेंट नेम है क्विट इंडिया मूवमेंट में, मैसिव स्केल में। तो मतलब दे वर नॉट जस्ट फॉलोवर, दे वर टॉर्च बियरर। देन लीडर ऑफ INA, रानी गैंडुली, देन मतंगनी हजरा, दुर्गाबाई देशमुख जी, बेगम, वेरी गुड, राजकुमारी अमृत कौर, वेरी गुड। तो सी, रॉयल लिंकेजेस के भी लोग थे और ऑर्डिनरी पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली के भी थे, तो जो बैरियर्स थे ना उसको हमने ओवरकम किया, गुड। तो दिस इज बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन, तीनों वर्ड्स पे आपने हाईलाइट किया, इन्होंने यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन किया। जैसे रानी गैंडुली थी, शी वॉज सो यंग। देन आशी, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली गुड। फ्रीडम स्ट्रगल क्या है, मोबिलाइजेशन में आपने कैसे वर्क किया। गांधी जी का बिलीफ सिस्टम है, विमेन ने पार्टिसिपेटिंग, जैसे ये अच्छा है, पिकेटिंग में, पैम्पलेट में, सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह में, गुड। देन रोल क्या प्ले किया, 57 में रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम मना था, बेगम हजरत महल, वेरी गुड। कानून को बेसेंट, वेरी नाइस। विजय लक्ष्मी जी, डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, देन डिफाइंग द बैरियर ऑफ पर्दा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एवरी बैरियर, विमेन आगे बढ़ के पार्टिसिपेशन किया फ्रीडम स्ट्रगल में, और फॉलो नहीं किया, टॉर्च बियरर थे, उन्होंने लीड किया वहाँ पे, गुड। इसका शायद एक पेज मिस हो गया है यहाँ पे। साइकिल ऑफ एंगर क्या होता है, दिस इज साइकिल ऑफ एंगर। इफेक्ट्स ऑफ एंगर, सी हेडेक, फटीक। तो एंगर ड्रिवन होने पे खुद का ज़्यादा नुकसान होता है, सो दिस शुड बी अवॉइडेड। पर्सनल लाइफ बताया, मैनेजमेंट ऑफ एंगर, तो सारे कीवर्ड्स एड्रेस किए। बुद्धा ने जो बताया है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेल डन। देन दिस इज विशाल, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली गुड एंड योर कंसिस्टेंसी इज ऑसम। रोल प्लेड बाय वुमेन क्या है, स्वदेशी कैंपेन में बताया, इंडिपेंडेंट बॉडीज भी थी वहाँ, वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हुआ,
मैनी गर्ल चिल्ड्रन, तो मतलब ऐसा है कि जो एज है तो सीनियर लोग भी थे और नए बच्चे लोग भी थे, जैसे बानर सेना, गुड। देन उषा मेहता जी, डिफरेंट तरीकों से आप लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, फिर ये सारे आपने एग्जाम्पल्स दिए, वेरी नाइस। सेकेंड इज दिस एंगर, तो वॉट इज दिस एंगर, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। देन एंगर से नेगेटिव इमोशंस होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है, डिसअपॉइंटमेंट आता है। एक्चुअली एंगर से हम कोई काम कर भी लेते हैं, सक्सेस भी मिल जाती है, पर तब भी वहाँ पे हॉलोनेस होती है, सो दैट इज़ वाई एंगर ड्रिवन नहीं होना है। देन दिस इज़ वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। वर्षा, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड। हानिकारक नकारात्मक भावना है क्रोध, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध आए तो उसको हमें मैनेज करना आना चाहिए। ये कायरता का चिन्ह है, सन की आदमी अधिक क्रोध करता है, इससे क्या होता है, विफलता की दशा है, तो इट शुड बी अवॉइडेड, दिस इज अवांछनीय। नकारात्मक विचारों से प्राप्त करें, हम दूर रहें, खुद से प्रश्न पूछें और हम एड्रेस करें। अब जैसे ये तीन कितने अच्छे बनाए आपने, कि हमें शांत बैठकर मेडिटेशन भी करना चाहिए, व्हाई आई एम गेटिंग सो एंग्री, बिकॉज इफ यू आर एंग्री ना, यू कैन नॉट थिंक, यू कैन नॉट थिंक, लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगी, ब्लाइंड हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि क्रोध को धैर्य से परास्त करें, वेरी गुड। देन ये दीज आर रियली गुड। देन शीतल, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड। पहले आपने इंडियन स्ट्रगल के बारे में बताया, गुड स्टार्ट, कैसे ये स्टार्ट हुआ, एक्सप्लॉयटेशन, हार्डशिप टू अर्न फ्रीडम, और इसमें हर सेक्शन सोसाइटी का इंपॉर्टेंट वर्क है, क्रूसेडर्स थे वो, अर्ली स्ट्रगल। तो यहाँ पे आपने जैसे रानी चन्नामना, किट्टूर रानी, बेगम, हजरत महल, वेरी गुड। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया, रानी लक्ष्मीबाई जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। NCM का टाइम आया, तो ये मॉडर्न जो टूवर्ड्स दी एंड हम फ्रीडम स्ट्रगल में आए, तो बहुत रिप्रेजेंटेशन आया यहाँ पे, तो राजकुमारी भी थी और ऑर्डिनरी वुमेन फ्रीडम स्ट्रगल भी थी, गुड। स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल पार्टिसिपेंट भी थी, एक्सेलेंट। तो एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एज, रिलीजन, हर बैरियर को तोड़ के यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ। ये सारे एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन सब के नाम याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी 42, बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो पोयम है ये किसने लिखा है, आंसर। देन कॉन्क्लूजन, वेरी गुड। देन एंगर एक हार्मफुल नेगेटिव इमोशन होता है, इससे हमारी राइटफुल थिंकिंग नहीं हो पाती, जजमेंट नहीं कर पाते, रॉन्ग डूइंग्स ज़्यादा होती है, रैथ। कंट्रोल करना ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी वे फॉरवर्ड, एंगर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। देन दिस इज दीपाली, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली गुड। सो दिस अर्ली वैदिक से आपने स्टार्ट किया, सी अर्ली वैदिक, गुड। तो हमें जो कीवर्ड यहाँ पे फोकस करना था वो ये भी था, टॉर्च बियरर थे, टॉर्च बियरर कौन होता है, जो आगे चल के मशाल आगे ले जा रहा है और रास्ता दिखा रहा है, अंधेरा है तो इन्होंने रास्ता दिखाया कि दिस इज द वे फॉरवर्ड, टॉर्च बियरर। देन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जैसे आपने ये बताया, गुड। इंडिपेंडेंट 57 के टाइम से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीड फ्रॉम द फ्रंट। बिफोर 1857 भीमाबाई होलकर जी, डायग्राम आपका इंडिया डायग्राम इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस, वेरी गुड। और आपने यहाँ पे ये भी बता दिया किस जगह से आ रहा है, वेल डन। देन 57 के बाद आपने बताया प्रोमिनेंट नेम कौन से थे, वेल वेरी नाइस। 1920 ये सारी नाम बताए आपने, तो सी अगेन हम क्या बता रहे हैं, एज, जेंडर, रिलीजन, दिस एज और दिस एरिया एंड रिलीजन, हर जगह से वुमेन का पार्टिसिपेशन फ्रीडम स्ट्रगल में देखने को मिला। ये जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं दे आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिप्स पे याद रखने हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सरोजनी नायडू जी, क्विट इंडिया मूवमेंट लिखा आपने, फिर जैसे ये भी बात है, आपने करंट अफेयर का लेयर लगा दिया कि दैट इज़ वाई परमानेंट कमीशन में भी आप करो, वेमेन ऑफिसर्स हैं, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर डूइंग सो वेल, अभी मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल एंड ऑल, दे आर डूइंग सो वेल, तो उनको परमानेंट कमीशन यहाँ पे मिला, रियली नाइस। जजेस बढ़ रहे हैं, मैरिज एज बढ़ाया 21, तो दिस इज गुड। देन स्पोर्ट्स का भी नाम है, वेरी गुड। देन दिस इज सूरज, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली गुड। तो हमें प्रश्न पढ़ना है, जो प्रश्न में पूछा है उससे लर्निंग कलेक्ट करनी है, दिस इज ओपन बुक एग्जाम, रेफरेंस आप यूज़ करो और अपना बेस्ट आंसर यहाँ पे फ्रेम करने की कोशिश करो। पहले आएगी क्वालिटी, फिर उसके बाद आएगी स्पीड, क्वांटिटी एट्सेट्रा। तो राइट समथिंग एवरीडे, आपकी हैंड राइटिंग बेटर होगी, सोच जल्दी जल्दी पाओगे, लिख जल्दी पाओगे और ओवरऑल ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा, एक डिसिप्लिन आ जाएगा पढ़ाई में, सो डू इट एवरीडे। तो ये आपने बताया, फिर वुमेन पार्टिसिपेशन बताया आपने, गुड।
तो इसी तरीके से करना है, पैराग्राफ्स शॉर्टर होने चाहिए, टू द पॉइंट जो पूछा है वो लिखने की हमें कोशिश करना है। जैसे ये एग्जाम्पल्स दिए ना, रियली गुड। फिर रानी लक्ष्मीबाई जी है, दिस पैरा इज गुड। देन ये और अपने एग्जाम्पल्स दिए, तो हमें एक फैक्ट बताना है, एक प्रेमाइज बताना है, स्टेटमेंट देना है और उससे रिलेटेड हमें सारे बैक एग्जाम्पल्स देने हैं। सरोजनी नायडू जी बताया अपने गुड रिवॉल्यूशन। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल फॉलोवर थे, वो टॉर्च बियरर थे। जैसे ये है ना, वॉइस ऑफ फ्रीडम, एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं, अंडरग्राउंड रेडियो, वेरी गुड। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड। सो दीज आर द सबमिशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।